मेरठ दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर लूटपाट की घटना सामने आई है। तो बेगमपुल इलाके में ज्वेलरी की दुकान पर यह लूटपाट की गई। गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लूटे जेवरात, ज्वेलरी शॉप में रखे सारे जेवरात लूट लिए। तो ज्वेलर्स के हाथ पैर बांध कर बदमाश फरार हुए। आईजी और एसएसपी ने पहुंचकर निरीक्षण किया। तो ज्वेलरी शॉप में रखे सारे जेवरात लूट कर फरार हुए अपराधी। तो किस तरह से लूटपाट की घटना सामने आई है। मेरठ से ज्वेलर्स के हाथ पैर बांध कर बदमाश फरार हुए। तो आईजी और एसएसपी ने पहुंचकर निरीक्षण किया। तो लगातार अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने। बेगमपुर इलाके में ज्वेलरी की दुकान पर बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। और अधिक जानकारी के साथ अतुल हमारे संवाददाता हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। अतुल, लगातार मेरठ में अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, मेरठ में दिन दहाड़े जिस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मा है, उसी के साथ साथ सारे अधिकारी रोडों पर हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के। खुद एसएसपी और डीएम निरीक्षण कर रहे हैं। उसी बीच अगर बात की जाए तो दिन दहाड़े दो बदमाशों ने एक दुकान को टारगेट किया और जो दुकान मालिक है राजीव कपूर उसको बंधक बना करके दुकान में लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। लगातार देखा जाए तो मेरठ में इसी तरह से बदमाश बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। सवाल खाकी पर खड़ा होता है कि किस तरह से खाकी सुरक्षा व्यवस्था दे रही है। दिन दहाड़े अगर देखा जाए भीड़ वाले इलाके से बदमाश पहुंचते हैं और दिन में ही दुकानदार को बंधक बनाते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी को देने के लिए। तो आईजी और एसएसपी पहुंचकर निरीक्षण किया है। तो दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर यह लूटपाट हुई है। तो बेगमपुर इलाके में ज्वेलरी की दुकान पर यह लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लूटते ये जेवरात लूटे गए हैं। तो बदमाशों के द्वारा किस तरह से दिन दहाड़े ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो ज्वेलर्स के हाथ पैर बांध कर बदमाश फरार हुए हैं। अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मौके पर आईजी और एसएसपी ने पहुंचकर निरीक्षण किया। मेरठ से यह खबर आपको दे रहे हैं।